राम राम जी, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल 19 देसी रसोई में। आज हमने बनाए हैं चना सत्तू का हेल्दी नाश्ता। तो हमने ये भुने हुए चने लिए हैं और इनका छिलका उतार लिया है और छिलका उतार कर हमने मिक्सी में पीस लिया है, बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है। अब किसी बर्तन में निकाल लेंगे और छलने में से छान लेंगे, फिर किसी भी बर्तन सूखे बर्तन में डाल के रख देंगे। महीने दो महीने तक ये सत्तू ख़राब नहीं होगा। जब भी जो भी रेसिपी बनानी हो तब तुरंत इससे उपयोग में लाए। तो इसे बनाने के लिए हमने 4 चम्मच सत्तू की ली है, आप अपने हिसाब से ले लें जा कम या ज़्यादा। फिर अब इसमें एक बारीक कटा प्याज डाल देंगे, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी क्रश करके डालेंगे, थोड़ा सा खाने वाला नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा दही मिला देंगे, इतना दही मिलाएंगे जैसे जैसे कि हम आलू के जो पराठे बनाते हैं ना और उसका जो बैटर तैयार करते हैं उतना गीला करेंगे। और 1 चम्मच घी मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें, घी या फिर तेल मिला लें जो भी खाते हो आप। अभी हमारा बैटर तैयार हो गया और इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे इस प्रकार से, ये देखिए। अब आटा लेंगे और रोटी बेल लेंगे। और अब हमने जो सत्तू की बोल बना रखे हैं वो इसके अंदर रख देंगे और चारों तरफ से बंद करके इसको आटा लगाकर बेल लेंगे। इस प्रकार से ये बिल्कुल आसानी से बेल जाएगा और बाहर भी नहीं निकलेगा। अब तवा गरम करेंगे और इसके ऊपर घी लगाकर रोटी को रख देंगे। अब घी लगाकर उलट पुलट करते हुए सुनहरा होने तक रोटी को सेक लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सिक्के तैयार हो गया है। अब इसी प्रकार से हम सभी रोटियां सेक लेंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, ये चटनी के साथ, दही के साथ या फिर चाय के साथ या फिर वैसे भी खा ले, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।